पिछले 3 दिनों से इंटरनेट पर एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि दिल्ली की टीम ने रविचंद्रन अश्विन को ट्रेड कर लिया है और अब आईपीएल 2020 में अश्विन दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी खबर की पड़ताल करने वाले हैं। सबसे पहले ये बताऊंगा कि क्या सचमुच ये ट्रेडिंग हुई है या नहीं हुई है, और दूसरा बड़ा सवाल का जवाब दूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि कितने करोड़ रुपयों में ये ट्रेडिंग हुई है। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और IPL फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो भाई यहां कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल दोस्तों, 3 दिन पहले टाइम्स नाउ के हवाले से ये रिपोर्ट निकल कर आई थी, जिसमें साफ तौर पर क्लियर हो गया था कि पंजाब और दिल्ली की टीम के बीच रविचंद्रन अश्विन की ट्रेडिंग को लेकर बातचीत चल रही है। दरअसल दोस्तों, सौरभ गांगुली जो इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम के मैनेजर भी हैं और मेंटर की भूमिका भी निभा रहे हैं, साथ ही प्लेयर्स ट्रांसफर इन्हीं की निगरानी में हो रहा है रिकी पोंटिंग के साथ, तो सौरभ गांगुली ने साफ तौर पर बयान दे दिया है कि भाई रविचंद्रन अश्विन और पंजाब के साथ उनकी बातचीत चल रही है और बातचीत अपने अंतिम दौर में है। अब अंतिम दौर में है इसका मतलब इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर ये बातचीत अपने अंतिम दौर में है, इसका मतलब ये जरूर है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते या मैक्सिममली इस महीने के एंड तक ये ट्रेडिंग हो जाएगी। मतलब पंजाब भी राजी है, अश्विन भी राजी है और दिल्ली भी राजी है। मतलब साफ है कि शायद इस महीने के एंड तक हमें इस खबर को लेकर फाइनल कंफर्मेशन और स्टैंप जो है वो मिल जाएगा। लेकिन भाई अब सबसे बड़ा सवाल कि अंतिम दौर में अभी क्या बातचीत चल रही है और कितने करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि क्या बातचीत इस समय अंतिम दौर में चल रही है। तो भाई अभी नेगोशिएशन चल रहा है पंजाब के साथ दिल्ली का, मतलब पंजाब की टीम ने रविचंद्रन अश्विन के एवज में कुछ दिल्ली के खिलाड़ियों की मांग की है। अब वो कौन से खिलाड़ी है वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उन खिलाड़ियों की मांग की है, इसलिए नेगोशिएशन चल रहा है। और दूसरा बड़ा मसला है भाई पैसों से जुड़ा हुआ, पैसे कितने देने हैं उस पर भी नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन सौरभ गांगुली ने साफ कर दिया है कि ये नेगोशिएशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब अगर गांगुली ऐसा कह रहे हैं, टीम के मेंटोर ऐसा कह रहे हैं, तो साफ है कि भाई ये ट्रेडिंग होने वाली है। हमें अश्विन दिख सकते हैं 90% दिल्ली की टीम में। अब सबसे बड़ा सवाल है भाई कितने पैसे मिलने वाले हैं, कितने पैसों का नेगोशिएशन चल रहा है अश्विन के साथ। दोस्तों, अगर हम नियमों की बात करें तो लगभग 2-2.5 साल पहले पंजाब की टीम ने रविचंद्रन अश्विन को 7.6 करोड़ रुपए दिए थे, और नियम अनुसार दिल्ली अगर ट्रेड करती है तो दिल्ली को भी अश्विन को 7.6 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन दिल्ली यहां से तीसरा रास्ता निकाल रही है, दिल्ली अश्विन के साथ नेगोशिएट कर रही है, दिल्ली अश्विन से कह रही है कि आप अपनी प्राइस थोड़ी सी कम कर लें, 5.5 या 6 करोड़ रुपए में इस ट्रेडिंग को इनिशिएट कर दें। मतलब दिल्ली अश्विन को 5.5 या 6 करोड़ रुपए देना चाहती है। अब यहां पर अश्विन के पास क्या रास्ते बचे वो भी समझ लीजिए। अश्विन के पास पहला रास्ता यह है कि इस नेगोशिएशन को मान लें और अराउंड 6 करोड़ रुपए में दिल्ली में चले जाएं। दूसरा रास्ता बचा है अश्विन के पास कि वो नीलामी में चले जाएं, जहां पर कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कितने करोड़ में बिकेंगे। मतलब अश्विन के लिए दूसरा रास्ता सही नहीं है, तो इसीलिए भाई अश्विन भी इस नेगोशिएशन को कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये नेगोशिएशन बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब इस सारी खबर का साफ है कि हमें इस महीने के एंड तक पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और इस महीने के एंड तक हमें पता लग जाएगा कि कितने करोड़ रुपए में स्टैंपिंग हुई है। मेरे हिसाब से 5 से 6 करोड़ रुपए में ये स्टैंपिंग और ये ट्रेडिंग इनिशिएट होने वाली है। तो भाई ये हमारा पूरा एनालिसिस था रविचंद्रन अश्विन की ट्रेडिंग को लेकर। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या रविचंद्रन अश्विन को पंजाब में ही खेलना चाहिए या उन्हें दिल्ली में जाना चाहिए या उन्हें नीलामी में जाना चाहिए? अपनी सारी राय भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।